जनपद अल्मोड़ा में नगर की बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर विधायक मनोज तिवारी ने शिखर तिराहे पर अपना मोर्चा खोल दिया। बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठे धरने में विधायक मनोज तिवारी ने जखन देवी और रानी धारा लिंक मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की। प्रदर्शन करते हुए विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि रानी धारा लिंक मार्ग में सीवरेज का काम अधूरा है। पैसा रिलीज होने के बावजूद सड़क अभी भी क्षतिग्रस्त है। इसके तहत ही विधायक तिवारी ने बदहाल सड़कों के ठोस आश्वासन नहीं मिलने तक धरना प्रदर्शन करने की बात की है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। रानीधारा जो लिंक मार्ग है, विगत कई वर्षों से उसका सीवरेज आदि पड़ी हुई है और उसको पूर्ण किया जाए, उसके साथ साथ जो वहां पर लगातार वो मार्ग क्षतिग्रस्त है, ऐसा होने के बावजूद भी उसको निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो जखन देवी में सीवरेज का काम हुआ था, एक माह की अवधि इन्होंने मांगी थी कि एक माह में हम इसको दुरुस्त करके यातायात को सुचारू कर देंगे। आज 2 माह हो गए, 2 माह पश्चात भी आज ये जो हमारी सीवरेज की जो आपका पूर्ण काम होना था, उसके ऊपर जो डामरीकरण होना था या उसमें भराव होना था, अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कई लोग गिर गए हैं स्कूटर मोटरसाइकिल से। जनता की उत्पीड़न को देखते हुए, जनता की भावनाओं को देखते हुए आज मजबूरन लगातार विभागीय अधिकारियों को कहने के बाद, चाहे जल निगम का अधिकारी हो, चाहे जिला प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे BWD का अधिकारी हो, बार बार अल्टीमेट देने के बाद भी उनके द्वारा इस कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। तो आज मजबूरन हम सबको जनता की आवाज को आज इस सड़क पर बैठ के उठाना पड़ रहा है और हमारी चेतावनी है कि जब तक इसमें ठोस कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे।